नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से नॉर्मल लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लान किया जा सकता है, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, वो कैसे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। आज जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं, जिनके पास एक कॉर्पस है, उनको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उनको अपनी रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, उस पर आज का हम लोग पूरी की पूरी डिस्कशन रखेंगे। बेसिकली रिटायरमेंट प्लान का पर्पस भी वही है कि कैश फ्लो इतनी मेंटेन रहे आपकी कि आप अपनी लाइफ की डिग्निफाइड वे से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के ऊपर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जैसे अभी तक आप जीवन में थे वैसे ही बने रहें, इसलिए इन सारे जद्दोजहद की ज़रूरत है। अब जब हम बात करते हैं ऑलरेडी रिटायर्ड लोगों में, उसमें से दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक ऐसी कैटेगरी जो कि पेंशनर हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गवर्नमेंट में हैं, जहां उनको फुल पेंशन मिलता है। फुल पेंशन का मतलब यह है कि जो वो जिस दिन नौकरी छोड़े हैं उस दिन जब रिटायरमेंट के बाद उनको एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट मिलता है, करेक्ट, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अधिकतर केस में काफ़ी होती है। मगर दूसरे वो कैटेगरी हैं जो नॉन पेंशनर हैं या जिनको बहुत ही पार्शियल छोटी सी पेंशन मिलती है, जिससे उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती है। पहले वाले श्रेणी के लोग निश्चित रूप से कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल इसलिए हैं कि वो एक हर महीने फिक्स्ड कैश फ्लो पेंशन के रूप में उनके पास आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी पेंशन्स मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन के साथ भी लिंक्ड होता है, यानी समय के साथ साथ वो बढ़ता भी जाता है आपका। जब भी हम लोग पेंशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई किस तरह से बढ़ेगी। तो उनके लिए परेशानी फिर भी बहुत कम है, बहुत ही कंफर्टेबल लोग हैं ये इस श्रेणी के लोग। मगर जो इस श्रेणी में पढ़ते हैं, जो नॉन पेंशनर है या बहुत ही लो पेंशन जिनको मिलता है, उनके लिए स्ट्रगल थोड़ी बड़ी है और लंबी है। तो वो कैसे अपनी प्लानिंग करें, उस पर हम लोग डिस्कशन प्राइमरीली आज करेंगे। सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाता हूँ, फिर और डिटेल में जाऊँगा कि आज के डेट में कोई 60 साल में रिटायर कर रहे हैं और कम्प्लीटली नॉन पेंशनर हैं या छोटा पेंशन मिलता है, और उनकी ज़रूरत है 50,000 रुपये हर महीने की। तो आज तक तो पैसे मिलते थे उनको, सैलरी जब तक तो वो काम करते थे तो उनको पैसे मिल जाते थे, मगर अब काम करना बंद कर दिया है तो ये पैसे मिलने उनको बंद हो गए, तो उनको पैसे चाहिए। तो पैसे कैसे उनको मिलेंगे, तो ये 50,000 जो आज उनके रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट हर साल इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण बढ़ती चली जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो, तो जो 60 साल में 50,000 से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वही जब वो 70 साल के होंगे तो यही 80,000 की रिक्वायरमेंट उनकी होगी। वही जब वो 80 साल के होंगे तो 1.3 लाख रुपीज़ हर महीने की ज़रूरत होगी। इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की ज़रूरत बढ़ते चली जा रही है, मैंने 5% का इन्फ्लेशन पकड़ा। तो हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, तो इस चीज़ को, इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान रखें कि आज की ज़रूरत तो पूरी हो ही रही है, करना ही है, मगर साथ ही साथ आने वाले दिनों में, क्योंकि लॉन्गेविटी, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर चुका है कि हमारी लॉन्गेविटी बढ़ गई है। आज के रेट में काफ़ी सारे लोग हैं जितना जीवन में जितना दिन उन्होंने काम किया उससे ज़्यादा दिन से पेंशन ले रहे हैं। मेरे ही अपने सबसे छोटे चाचा जी, जिनकी उम्र अभी 98 ईयर्स हैं, 98 साल के हैं, और ईश्वर करे वो ऐसे हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, 98 साल की उम्र में वो दरोगा पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर किए थे। रिटायर किए हुए भी अब कई साल हो गए उनको, जितना साल उन्होंने जॉब किया था उससे अधिक पेंशन वो उतने अधिक उससे अधिक सालों से पेंशन ले रहे हैं। ऐसे एग्जांपल्स बहुत मिल जाएंगे आपको जहां लॉन्गेविटी इतनी बढ़ गई है, यानी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेविटी 80, 85, 90 उतने सालों तक कैसे वो प्लान हो, इन्फ्लेशन प्रूफ आपकी प्लानिंग हो। तो उस पर मैं एक एग्जाम्पल सेट करके बता रहा हूँ कि अगर 50,000 मंथली विड्रॉल कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट में 50,000 हर महीने एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए उनको, इन्फ्लेशन 5% पकड़े, और मान के चले कि आपकी जो कॉर्पस, आप इस तरह से कॉर्पस को सजाएं, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि उसमें एवरेज रिटर्न 7% का जनरेट हो,
कैसे होगा ये आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको बता सकता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल आपको ये गाइड कर सकता है कि किस तरह से अपनी पोर्टफोलियो को आप सजाएं तो 7% का रिटर्न जनरेट कर सकें, क्योंकि बहुत एग्रेसिव में नहीं जा सकते, आपको अपने पोर्टफोलियो को कंजर्वेटिव रखना होगा। तो आज के डेट में जो आपको करंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो 1.3 करोड़ की, और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि जब 85 साल के आप होंगे तो 50 लाख रुपए आपके कॉर्पस में बचे रहें, रेसिडुअल मनी आपके पास 50 लाख रहे, ऐसा करने के लिए आपको 1.3 करोड़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 85 साल की उम्र में आपके पास 1.5 करोड़ बचे रहें तो आपके आज के डेट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 करोड़ करना होगा। मैं समझता हूं कि मेरी बात से क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें कि आप अपने रिक्वायरमेंट वो 50,000 है या उससे अधिक है या कम है, या आपको डिसाइड करना, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्लान कीजिएगा, मगर इस पार्ट को नहीं छोड़िएगा। मैंने टैक्सेशन के पार्ट को टच नहीं किया क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग टैक्स स्लैब में आते हैं, मगर इन्फ्लेशन तो सभी के लिए कॉमन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए तब अपनी पोर्टफोलियो को बनाइए। अगर आज के डेट में देखेंगे रिटायर्ड लोगों के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैं, तो उनके लिए जो आज के डेट में फिक्स रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना है जिसमें कि 7.4% का रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, पोस्ट ऑफिस का MIS है जो 6.6% रिटर्न जनरेट करता है, बैंक में तो बहुत कम इंटरेस्ट हो गए हैं, 5-6% के बीच में ही इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड्स के हैं डेट और हाइब्रिड जिसमें रिटर्न वेरिएबल होता है, जो हाइब्रिड फंड तो डायरेक्ट शेयर मार्केट पे पार्शियली डिपेंडेंट होता है, मगर डेट फंड भी कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह के पोर्टफोलियो को आपको अपना निर्माण करना होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, सिर्फ 7% वाला प्रोडक्ट रखेंगे तो भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो आपको दोनों ही तरह के फिक्स रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज वेरिएबल पोर्टफोलियो दोनों का कॉम्बिनेशन में जाना होगा, पोर्टफोलियो को थोड़ी कंजर्वेटिव तरफ ही रखनी होगी, मगर रिटर्न देखना होगा कि 7% जरूर जनरेट हो, तब ये आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। जो ये मैं बात कर रहा था नॉन पेंशनर या जिनको पेंशन बहुत कम मिलता है, जो पेंशनर हैं उनके अगर गैप है, उनके इनकम उनको जो पेंशन मिलता है और उनके जो खर्चे हैं उसमें जो गैप है, तो गैप के लिए भी इसी तरह से उनको भी प्लान करने होंगे। करेक्ट, जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास है उसको वो अपने मर्जी से अपने हिसाब से किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अगर सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर अधिक लोगों को अगर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, रिटायरमेंट की प्लानिंग परफेक्ट हो गई, तो बाकी पैसे से वो जिस तरह से इन्वेस्ट करना चाहे, जिस तरह से रखना चाहे, उनके पास वो लिबर्टी है। मगर इनके पास लिबर्टी नहीं है, क्योंकि सबसे पहला काम उनके लिए यही है कि किस तरह से अपने रिटायरमेंट प्लान को परफेक्ट बनाएं। प्रोडक्ट बास्केट में आप वेरिएबल डाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट चॉइस है आपका, या आपके प्रोफेशनल जो भी हैं उनका चॉइस होगा। करेक्ट, मगर ये कंसिडर करते हुए तभी आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएं। तो मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रिटायरमेंट के वक्त ही एक अच्छे प्रोफेशनल के टच में आ जाएं, ताकि आपकी एक रिटायरमेंट जर्नी जितनी सुंदर आपका लाइफ रहा है जब आप जॉब में थे, जब आप काम में थे, उतना ही बढ़िया आपका रिटायरमेंट जर्नी भी रहे। इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए अपनी पोर्टफोलियो का निर्माण करें और खुशी खुशी अपनी जीवन बिताएं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, 60 साल या रिटायर के कुछ साल बीत गए फिर अभी भी नहीं किया है, तो मैं आज कहूँगा कि अभी भी जाके कर लें उसको, क्योंकि जो भी कॉर्पस आपके हैं अगर उसको आप ढंग से नहीं सजा पाएंगे तो आपको जो रिटर्न मिलनी चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल पाएगी, जो आपके पर्पस हैं वो डिफीट हो जाएंगे। इन्फ्लेशन के कारण आप स्ट्रगल करेंगे जब आपकी उम्र अधिक होगी, क्योंकि ये कैश फ्लो इतना बड़ा नहीं रह जाएगा, मगर रिक्वायरमेंट तो बड़े रहेंगे। तो मैं फिर से एक डिस्क्लेमर के साथ कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट, और कृपया अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके सर्किल में और लोगों के लिए भी काम का है तो उनके बीच भी इसको शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।